हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल मेरे पास से आया था कि मैडम, डीएनसी के दौरान कितना पेन होता है? क्या इस टाइम पे हमको एनेस्थीजिया यानी कि सुन्न किया जाता है या फिर डायरेक्ट डीएनसी किया जाता है? कितना ये पेनफुल होता है? आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए, डीएनसी से पहले आपको सुन्न किया जाता है, यानी कि डीएनसी प्रोसेस जब आपका होता है उससे पहले आपको सुन्न किया जाता है। जैसे नॉर्मली जब आपका सिजेरियन डिलीवरी होता है टाइम पे पीछे आपको एनेस्थीजिया दिया जाता है, उसी तरीके से डीएनसी में भी एनेस्थीजिया आपको दिया जाता है और सुन्न किया जाता है जिससे कि आपको पेन ना हो। पेन वैसे भी कम होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा पेन होता है। बच्चेदानी के मुंह को खोला जाता है जिससे कि अच्छे से विजिबल हो सके अंदर का मटेरियल, और क्यूरेटार्स होते हैं जैसे कि आप इमेज पे देख रहे होंगे, उनकी मदद से जो बच्चेदानी का प्रेगनेंसी मटेरियल है उसको खुरचा जाता है। तो इसमें दर्द से बचने के लिए आपको पहले ही सुन्न किया जाता है यानी कि एनेस्थीजिया लगाया जाता है। डीएनसी से रिलेटेड और भी वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे, जाएंगे तो आप सारी वीडियो वहां पे अवेलेबल है। इसके बाद पीरियड कब आता है, कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है इसके बाद तो क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ये सारे टॉपिक हैं हमारे चैनल पे। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।